अगर आपको ये हैबिट है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इसे नहीं छोड़ा। सबसे पहली चीज, आपको लगेगा कि आपको भूख बिल्कुल नहीं है, भूख ही नहीं लगेगी आपको, बहुत कम भूख लगेगी, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी। और अगर प्रेगनेंसी में आपको भूख नहीं लग रही तो ये बहुत बड़ा डेंजर साइन है कि बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा और आपके शरीर को पोषण कैसे मिलेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा। और प्रेगनेंसी में महिलाओं में, कई महिलाओं में एक बड़ी खास आदत देखी गई है जो कि बहुत ही खराब होती है, और वो है पिका, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी में कई बार महिलाओं को नॉन फूड आइटम्स, मतलब जो खाने की चीजें नहीं है, जैसे कि चौक, मिट्टी, स्लेट पेंसिल, मुल्तानी मिट्टी, बर्फ, कच्चा चावल, ऐसी चीजें खाने का मन करता है और वो छुप छुप कर इन चीजों को खाती हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है तो आज के वीडियो से इसका सोल्यूशन समझ लीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हम जानेंगे कि अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर आ रही होंगी आपके शरीर में, उसको आप नहीं पहचान पा रही हैं, तो अब आप पहचान सकेंगी। और इसको दूर करना है तो क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, क्या काम करने हैं जिससे कि आपकी ये हैबिट आप छोड़ पाए, क्योंकि कई महिलाओं के लिए इसको छोड़ना मुश्किल होता है, वो उसको छोड़ नहीं पाती हैं और उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप ही नहीं, गर्भ में पल रहा बच्चा भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ईटिंग डिसऑर्डर यानी जो पिका की हैबिट है, उसका मेन रीजन है पोषण की कमी, आयरन की कमी, माल न्यूट्रिशन और खून की कमी से जो एनीमिया होता है, उस वजह से महिलाओं में ऐसी क्रेविंग आती है, मिट्टी खाने की हैबिट आती है, पिका हैबिट्स आती हैं। तो सबसे पहले हमको अपने आहार को संतुलित करना है, वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको ये हैबिट है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इसे नहीं छोड़ा। सबसे पहली चीज, आपको लगेगा कि आपको भूख बिल्कुल नहीं है, भूख ही नहीं लगेगी आपको, बहुत कम भूख लगेगी, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी। और अगर प्रेगनेंसी में आपको भूख नहीं लग रही तो ये बहुत बड़ा डेंजर साइन है कि बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा और आपके शरीर को पोषण कैसे मिलेगा। दूसरी चीज, आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, पेट और आंतों का जो रास्ता है उसमें ब्लॉकेज आ सकता है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं। कई बार जो एक अच्छी चीज़ है, नॉन फूड आइटम खाते हैं, इनके थ्रू टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में, जहरीले तत्व हमारे बॉडी में चले जाते हैं और अगर वो बच्चे तक ट्रांसफर हो जाते हैं तो बच्चे को भी खतरा हो सकता है और आपको खतरा है ही। ये नॉन फूड आइटम खाने से महिला को बराबर पेट में दर्द रह सकता है, अक्सर उसको उल्टी हो सकती है, तो ये सारी चीजें आपकी प्रेगनेंसी को खतरे में डाल सकती हैं। बच्चे के लिए भी ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये प्री मेच्योर लेबर को इंड्यूस कर सकता है, जन्म के समय से पूर्व ही, निर्धारित समय से पूर्व ही, पूरे विकास होने के पहले ही बच्चे का जन्म हो सकता है और बच्चे की मृत्यु होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेमेडी हमको क्या करनी है। जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको अपने आहार को देखना है कि आहार में हम दाल, साबुत अनाज, साग भाजी, मूली के पत्ते, सरसों के पत्ते, पालक, गोभी, लौकी, तरोई, सारी सब्जियां हम अपने आहार में जरूर शामिल करें। इसके अलावा दाल रोज खाएं, सूखे मेवे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अगर किशमिश, मुनक्का जो कि बहुत आसान, सरल, सस्ता है, वो आप नियमित खाएं, भिगोकर। किशमिश और अंजीर से रिलेटेड मेरा वीडियो आप जरूर देखें। जब आप संतुलित आहार लेने लगेंगी तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भूख नहीं लगी तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे जिनसे कि आपकी भूख शुरू होगी और आप ठीक से खाना खाने लगेंगी। सबसे पहली चीज है कि आहार को ठीक करना और सप्लीमेंट्स लेना, उससे आपको काफी आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी महिलाओं को कभी ना कभी वो क्रेविंग आए और अगर खाने का मन करे तो आपको बिहेवियर थेरेपी को फॉलो करना है। बिहेवियर थेरेपी में जनरली हम यही सलाह देते हैं कि आप च्युइंगम रखें अपने पास, जब भी आपको कुछ मिट्टी आदि चीजें खाने का मन करे तो आप च्युइंगम को चबाइए और जहां पे आप हैं वहां से थोड़ा दूर निकलिए, वॉक कीजिए, दूसरे काम में एंगेज हो जाइए और च्युइंगम चबा लीजिए, तो थोड़ा आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जो विचार आपको खाने का आ रहा था, जो क्रेविंग आ रही थी, उसको आप भूल पाएंगे। धीरे धीरे करके अगर आप आहार और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ये हैबिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी मदर्स को बहुत हेल्प करेगी और आप अपनी केयर कर पाएंगी, अपने बच्चे, अपनी प्रेगनेंसी को और खुद को स्वस्थ रख पाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।